न्याय सूत्रकार का सूत्र को लेकर विचार कर रहे हैं। भेते न सिद्ध सद समित्य भी प्रत्युक्ता पूर्वोक्त युक्तियों से अभी खंडित हो जाता है। यथा कथंचित साध्य साम्य से सर्वसाधारणत्वात्, कि हम उनसे पूछते हैं साध्य के सम का मतलब क्या, सर्वथा सम होना चाहिए, ये यत किंचित साम्यता होनी चाहिए, ये बताओ सर्वथा साम्य कहना चाहते हो यत किंचित। पहले यत किंचित यथा कथंचित साध्य साम्य से, यथा कथित साध्य की समता देखोगे सर्वसाधारण सभी हेत्वाभाषों में घट जाएगा, यथा कथंचित हर एक हेत्वाभाष में साध्य समत्व आ जाएगा। और यदि कहोगे नहीं भाई फिर साध्य विशेष सम विशेष लो, साध्य के साम्य विशेष ले लूँगा, साम्य विशेष से च उक्त प्रकार पर्यवसान व्यतिरेकेण अन्यस्य संभवात्। हमारे उक्त प्रकार जो विकल्पों को उठाकर हमने खंडन किया है उससे अतिरिक्त कोई विशेष में पर्यवसान नहीं होता। उक्त प्रकार पर्यवसान व्यतिरेकेण अन्यस्य, अन्य कोई अर्थ विशेष में संभव नहीं लगता है। कहने का अभिप्राय साध्य साध्य से व्यापित रूप से प्रमित नहीं है, ये कहना चाहते हो साध्य जो है साध्य से व्यापित रूप से प्रमित नहीं है, इसका नाम साध्य सब है, विशेष में ले जा रहा हूँ व्याप्ति को लेकर बोल रहा हूँ। क्यों साध्य और व्याप्य दोनों एक है, इसका नाम साध्य सब हुआ ना, स्वयं से स्वयं व्याप्त नहीं होता, स्वयं से भिन्न ही व्याप्त होता है, वन्नी से वन्नी व्याप्त है ऐसा नहीं होगा, वन्नी से धूम व्याप्त है। साध्य सम का अर्थ क्या, साध्य से व्याप्तत्व रूपेण दूसरा नहीं है, इसका नाम साध्य सम है। इसका मतलब यह हो आपका कहने के अभिप्राय साध्य और हेतु ये कही है, ऐसा कहना चाहते विशेषता लेकर के, या साध्य जो है पक्ष धर्मता से प्रमित नहीं है अर्थात संदिग्ध होने से, संदिग्ध साध्यवान पक्ष अति प्रमित नहीं है, ये कहना यही साध्य से विशेष हो गया। साम्य में विशेषता यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन यह है कि ये संदिग्ध है प्रमित नहीं है। इस प्रकार की आप उठा करके कहना चाह रहे साध्य विशेषों को इस तरह, तो व्याप्ति या पक्ष समता से जो प्रमित न हो, व्याप्ति या पक्ष से प्रमित न हो वह साध्य सम है, यही कहना हुआ। उसे अतिरिक्त और क्या विशेष हुआ, दो ही तो है तुम्हारे सहमति के कारण, इन दोनों को लेकर के आपको कहना पड़ेगा साध्य समत्व। यदि ऐसा कहोगे तो उक्त लक्षण ही तो आ गया फिर वापस, व्याप्ति व्याप्ति और पक्षधर्मता से अप्रमित प्रमितत्व भाव वही आ गया लौट करके, इसका भी व्याख्या उसे अतिरिक्त क्या विशेषण हो गया, कुछ नहीं रहा। और यदि वही लक्षण इसकार भी अर्थ ले ही रहे हो फिर जो वहाँ दिया हुआ दोष तो सब आएंगे, अलग से खाने की जरूरत नहीं कोई दोष की। इस प्रकार से यह भी लक्षण को संक्षेप में ही इसकी व्याख्या पूर्व सम बता करके खंडन कर दें। और भी अनेकों लक्षण हैं असिद्धि का विभिन्न आचार्यों के द्वारा किए गए, प्रमुख लक्षणों को हमने खंडन कर दिया, इसके आधार पर लक्षणों को भी आप खंडन कर लें। लक्षणांतरिष्ट उक्त दूषण प्रकारा यथासंभवम ये योजनिया इत्यलम विस्तृण थी, असित के अन्य लक्षणों में भी उक्त दूषणों की या उक्त दूषणों के सदृश अन्य दूषणों को यथासंभव आप सुयोजित कर दीजिएगा और उन सबको परास्त कर दें, क्योंकि यहीं पर सारी चर्चा करूँ एक एक लक्षण को लेकर के व्यर्थ का विस्तार होगा ग्रंथ का, इसलिए इत्यलम विस्तरेण दिया, ग्रंथ का विस्तार व्यर्थ हो जाएगा। अपिच इतना ही नहीं, एक और बात, व्याप्ति पक्षधर्मता तत्प्रमिति के व्यतिरेक का जहाँ लिंग के उपन्यास के बिना कथन हो शंकित है कि नहीं, या शक्य उद्भावन हो उसको आपने क्या कहा, असिद्ध कहा है। यहाँ दो विशेषण आप दे रहे हैं, लिंग के उपन्यास के बिना और शक्य उत्थापन, शक्य उपन्यास या शक्य उद्भावन दो विशेषण दे रहे हैं, ये दो विशेषण किसके लिए क्या प्रयोजन है। असिद्ध लक्षण विशेषणेशो प्रमाण व्यवच्छेद का व्यतिरिक्तेरा यद व्यवच्छेद्यम तद किम केन
चित् विरुद्धम केनचित् अन्य इति चेत् विरुद्धम एव किमुच्यते है। वहाँ मैं पूछूंगा, यदि कहीं किसी का व्यवच्छेद विरुद्ध के लिए है और किसी विशेषण का व्यवच्छेद जो है स्वार्थानुमित स्थलीय असिद्ध में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए है, ये प्रमुख रूप से आप बार बार दे रहे हैं। विरुद्ध अनेकांतिक में भी विचार होता है, या आपने कहा कि जो है स्वार्थानुमित स्थल का सिद्ध में अव्याप्ति हो जाता है, इन स्थलों में दोष निवारण करने के लिए ही हमने यदि विशेषण दिया, यदि ऐसे कहते हो फिर हमसे पूछते हैं जो व्यवच्छेद्यभूत विरुद्ध है जिसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आप दे रहे हो, विरुद्ध क्या है भला, उसका लक्षण बताओ, उसका निर्वचन करो। यदि आप विरुद्ध का निर्वचन नहीं कर सकते हैं तो विशेषण व्यर्थता दोष आ जाएगा। जिसमें का व्यावर्तन कर ले विशेषण दे रहे हो वो विशेषण व्यर्थ हो गया, जब विरुद्ध नाम की चीज ही नहीं है, उसे अतिव्याप्ति निवारण कर ले विशेषण की क्या प्रयोजन रह जाता है। इसलिए किम केनचित विरुद्ध अन्य दिति चेत, या किसी विरुद्ध नाम का हेतु के साथ अतिव्याप्ति हो रही उसका निवारण करने के लिए है, या केनचित अन्य स्वार्थान्वय स्थलों में जो असिद्धि को लेकर हमने कहा था उनको लेकर कह रहे हो, उनमें पहला पक्ष उठा रहे हैं विरुद्ध में, तो तुम नहीं कह सकते कि विरुद्ध नाम का कोई हेतु ही नहीं है। क्यों नहीं है, हम तो लक्षण बनाते हैं, कहते हैं आप लक्षण नहीं बना सकते, जो भी लक्षण बनाने की कोशिश करो वो अनेकांतिक में ही अंतर्भूत हो जाएगा, व्यभिचार से अलग आप विरुद्ध को सिद्ध नहीं कर सकते। कैसे, देखो, तथा ही साध्य विपरीत व्याप्त विरुद्ध इत्याह, यही कहेगा साध्य विपरीत व्याप्त विरुद्ध। उदयनाचार्य ने परतो व निमान जलवत्ता लिए हैं यह दृष्टांत, परतो व निमान जलवत्वात् ये लिया, यह क्या है, यह वन्य भाव के व्याप्त है जलवत्व, साध्य के विपरीत, साध्य के विपरीत क्या हुआ साध्य भाव, उसे व्याप्त, उसे व्याप्त आपका जलवत्व रूप हेतु। वन्य भाव कहाँ है, ह्रद में, ह्रद आदि में, वहाँ जलवत्व है, साध्य भाव से व्याप्त है, ये कहना हुआ। इत्याहु ए उनके जो लक्षण कर रहे हैं तन्ना, यह उनका लक्षण उचित नहीं है, सभी विचारी है, साध्य भाव अधिकरण भेद तो चला गया, शब्द खेल बदला आपने, साध्य भाव व्याप्त, साध्य वध वृत्ति, इतने ही तो अंतर है। साध्य भाव से व्याप्त का मतलब क्या, यत्र यत्र साध्य हो तर तर व्याप्तिभूत वस्तु विद्यमान है, ये कहना हुआ, मैंने साध्य भाव अधिकरण में वो है यही तो कहना हुआ, व्यभिचार ही है उसका एक प्रकार नहीं, वही है, के लिए व्याप्त शब्द बोल दिया और वध वृत्ति बोल दिया, इतना ही है, साध्य भाव व्याप्त और साध्य भाव वध वृत्ति, ये शब्द खेल बदला आपने और कुछ नहीं है, अर्थ तो एक ही है, ये सिद्ध करेंगे। तन्ना साध्य व्यतिरिक नहीं व्याप्ति, आपने साध्य व्यतिरिक से जो व्याप्ति कहा वह कार्सियन वा अनौपाधिको वा स्वाभाविको वा संबंधा इत्यादि उक्ति भी ही सविशेषण सहभाव एव निरुच्यता है, आपने इस विशेषण से युक्त सहभाव का ही आप कथन करने कर रहे हैं। कार्सियन वा अनौपाधिको वा, कार्सनेना मने सार्वत्रिक कहना हुआ, और अनौपाधिक उपाधि रहित या स्वाभाविक संबंध को साध्य व्यतिरेकेण जो व्याप्ति आप कथन कर रहे हो, साध्य विपरीत व्याप्त हो, साध्य क्या विपरीत मने साध्य व्यतिरेक से, व्याप्त मने व्याप्ति है, जिस हेतु के साथ व्याप्ति कहना चाह रहे हो वह व्याप्ति कार्सनेन सर्वाधिकरण में कह रहे हो, या ये कहना चाहते व्याप्ति अनौपाधिक व्याप्ति कहना चाहते हो, या आप कहना चाहते हो वह स्वाभाविक व्याप्ति है, क्या कहना चाहते हो, माने यत्र यत्र हेतु हो तर तत्र साध्याभाव, ये कहना आपने, यत्र यत्र हेतु हो तर तत्र साध्याभाव, ये सार्वत्रिक हो गया, जहाँ जहाँ भी है यथार्श जलवत्र हेतु वहाँ वहाँ पर वन्य भाव है,
सार्वत्रिक में आ जाता है। जहाँ जहाँ भी वन्य भाव है वहाँ वहाँ पर सब जगह जलवत्व है, ये नहीं हो सकता है ना। वन्य भाव आकाश में है, वन्य भाव आत्मा में है, वन्य भाव जो है मन रूपी द्रव्य में है, वहाँ कहाँ जलवत्व है, वहाँ तो नहीं घटा सकते। वन्य भाव वायु में है, वायु तो वन्य का अधिकरण हो नहीं सकता, तो कैसे आप इतर इतर घटा पाओगे, सार्वत्रिक हो नहीं सकता। फिर निरुपाधिक मात्र है, जितने अधिकरण में है वहाँ निरुपाधिक है, ये भी नहीं कह सकते आप, और स्वाभाविक कहो ये भी नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ वन्य भाव है, जहाँ जहाँ आपका वह जलवत्व है वहाँ वन्य भाव हमने में नहीं दिखता है। हाँ, वड़वाना लाल स्थल में वहाँ जल है, वहाँ अग्नि है, इत्यादि उक्ति भी इत्यादि उक्तियों के द्वारा आप सविशेषण व्याप्ति रूपा सहभाव एव निरुच्यते, सहभाव का ही कथन कर रहे हो आप। तथा सति च यदि ऐसा कह रहे हो तो साध्य व्यतिरेकेण सामनादिगण्यमेव विशेषण विशेषयुक्तम वृद्धत्वम इत्युक्तम स्यात्। फिर तो साध्य व्यतिरेक के साथ में विशेषण विशेषयुक्त सामनादिगण को ही आपने कहा है, चाहे वो सार्वत्रिक हो चाहे अनौपाधिक हो चाहे स्वाभाविक हो, आपने सामनादिगण्य कहा। किधर सामनादिगण्यम, बस सार्वत्रिक सामनादिगण्यम या अनौपाधिक सामनादिगण्यम या स्वाभाविक सामनादिगण्यम, ये आप कहना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाह रहे। क्योंकि सहभाव का मतलब होता है सामनादिगण्य, सहभाव का तात्पर्य सामनादिगण्य, और सामनादिगण्य विशेषण आपने दिया कार्सरेण या सार्वत्रिक अनौपाधिक या स्वाभाविक विशेषण, सविशेषण सामनादिगण्य आप कहना चाह रहे हैं। किसका साध्य व्यतिरेक, साध्य भाव व्याप्त, साध्य भाव शब्द से साध्य व्यतिरेक है। यदा चेव, यदि आपका वास्तव में लक्षण यही आप करना चाह रहे हैं तो तदा साध्य व्यतिरेक सामनादिकरणमेव हेतोर अगमकत्वे समर्थम इति तन्मात्र उद्भाव्यम वृता विशेषण प्रक्षेप। इतना ही कह दो ना, फिर साध्य सामनादिकरण का विरोधी है साध्य भाव सामनादिकरण्यम। इतने ही लक्षणों से आप जो है अनुमिति का अवरोध हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। भाई साध्य सामनादिकरण व्याप्ति रहेगा क्योंकि अनुमिति के प्रति दो ही तुम्हारे पास प्रमुख कारण है, एक तो सामनादिकरण पर व्याप्ति, दूसरा पक्ष धर्म तो होनी चाहिए। उनमें से साध्य सामनादिकरण व्याप्ति का आपका सामान्य लक्षण है, उसके विरुद्ध में साध्य भाव सामनादिकरण कह दो, ये हेतु साध्य भाव सामनादिकरण है भाई, इतने कहने से अनुमिति खत्म हो जाएगी, अगमक हो गया, मैंने सात्विक गमक नहीं रह गया। यह हेतु साध्य भाव का सामनादिकरण होने मात्र से ही अगमक हो गया, साध्य का साधक नहीं रह गया। इतनी इति समर्थम, इतने मात्र में समर्थ था, फिर वहां विशेषण तन मात्र उद्भाव्यम, इसे उतना ही लक्षण कहना चाहिए। साध्य व सामनादिकरण्यम विरुद्धम, वहां वृथा विशेषण प्रक्षेप, वह विशेषण को प्रक्षेप करना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कोई कह देता है परतो वन्यमान नील धूमात, नील विशेषण व्यर्थ है। व्यर्थता का लक्षण भी दिया, देखो उन्होंने व्यापितावच्छेद धर्मांतर घटितत्व व्यर्थत्व, व्यापितावच्छेदक जो धर्म है उससे भिन्न धर्म से घटित हो जाए उसका नाम ही व्यर्थत्व है। जैसे धूम रूपी व्याप्य है उसमें धूमत्व उसका अवच्छेदक है, व्यापितावच्छेद कौन हो जाएगा धूमत्व, उसे धर्मांतर कौन हो जाएगा नीलत्व, नीलत्व जो है वो धर्मांतर हो गया। व्यापितावच्छेद धर्म से भिन्न धर्म भी अवच्छेदक हो जाना ही व्यर्थ विशेषण होता है। इस तरह से यहाँ पर सामनादिकरण में अपने सार्वत्रिकत्व दे रहे हो या अनौपाधिकत्व विशेषण दोगे या स्वाभाविकत्व विशेषण दोगे वो व्यर्थ, ये व्याप्यतावच्छेद कौन हो जाएगा सामनादिकरण्यत्व, ये व्याप्यतावच्छेदक मान लो। तार्श व्याप्यतावच्छेदक में आपने जोड़ रहे हो सार्वत्रिकत्व आदि वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं जो अनुमान आप उठा रहे हो शब्द नित्य कार्यत्वात्, शब्दो नित्य कार्यत्वात्, हम कह कार्यत्व हेतु अगमगः,
गमक नहीं हो सकता, अपने साधक को नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। न नित्यत्व साधक कार्यत्वम न नित्यत्व साधकम। क्यों? इतना ही कह दूंगा ना कि सार्वत्रिक साध्याभाव सामान्यकरणत्व, ये करने की जरूरत नहीं मुझे, साध्याभाव सामान्यकरणत्व इतना ही कह दू। आप यदि साध्य विपरीतेन साध्य अभाव से सार्वत्रिक सामानादि करने वाला या निरुपाधिक सामानादि करने वाला या स्वाभाविक सामानादि करने वाला यूँ विशेषण देना व्यर्थ विशेषण होगा। या व्याप्य कौन हो गया? इसलिए साध्याभाव सार्वत्रिक सामानाधिकरण्यम या साध्याभाव निरुपाधिक सामानाधिकरण्यम या साध्याभाव स्वाभाविक सामानाधिकरण हो जाता है। इस साध्यावश छोड़ करके विचार करेंगे अवच्छेद क्या होगा, साध्यभाव सामान्यकरण्यत्व इतने में अवच्छेद कर दो। ये सार्वत्रिकत्व या अनौपाधिकत्व या स्वाभाविक जो है अधिक है वो व्याप्यता अवच्छेद धर्म से भिन्न धर्मांतर है, वही व्यर्थता इसमें आ जाता है। अतः इस तरह से विशेषण व्यर्थता दोष पहुँच गया। तथा अच्छा इतना ही नहीं, यदि आप इतना ही लक्षण स्वीकार करो, ठीक है भाई हम तीनों हटा देते हैं, सार्वत्रिक शब्द नहीं दूंगा, मैंने कार्सनीय नहीं कहूँगा, निरुपाधिक नहीं कहूँगा और स्वाभाविक भी नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा साध्य वो सामान्य, तब तक लक्षण तुम्हारा अनेकांतिक में चला गया। तथा च अनेकांतिक ये वायम सियात, यदि उन विशेषणों को परित्याग करके आपने इतना ही कर दोगे फिर तो अनेकांतिक दोषी रह गया, इवृद्ध दोष रहा ही नहीं, इवृद्ध लक्षण खत्म। इतना ही नहीं, आप चलिए कहता देखो ननो साध्य व्यतिरिक संबंधो यद्यपि विरुद्ध अनेकांतिक और द्वयोरपि अस्ति, स्वीकार करता है विरुद्ध हेतु और अनेकांतिक हेतु दोनों हेतु ऐसे हैं जो कि साध्य व्यतिरिक से संबंधित है, सामान्य संबंध रहता है, हम मानते इस बात को। यद्यपि है तथापि वस्तुगत्या स्वाभाविक असो विरुद्ध, विरुद्ध में कैसा है एक स्वाभाविक संबंध होता है, एवं इति एतावन मात्र विशेष विवक्षा, इतने मात्र विशेष विवक्षा करते हुए वृद्ध से अनेकांतिक भेदोपन्यास, वृद्ध को अनेकांतिक से अलग कर दे रहे हैं हम, ये कहता है पूर्व पक्ष। तरह से सिद्धांत कहते हैं मैवा मैं समझ कहो स्वाभाविक संबंध विरुद्ध में ही है और अनेकांतिक में स्वाभाविक संबंध नहीं होता, ये आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? दत्तोत्तरत्वात्, इसमें पहले जवाब दे दिया, वस्तुतः हमने जवाब दे दिया, स्वाभाविक संबंध का मतलब कहो या अनुपाधिक कहो या सार्वत्रिक कहो, तीनों एक ही है, और विशेषण व्यर्थता दोष दे चुका हूँ। व्याप्ता उचित धर्म से भिन्न धर्म आ जाएगा अवच्छेद कोटि में, वह अनिष्ठ है। दत्तोत्तरत्व, एक तो कह दिया यदि आपने स्वाभाविक विशेषण दिया या सार्वत्रिक विशेषण दो चाहे अनौपाधिक, बात बराबर है, स्वाभाविक संबंध का मतलब यही है, स्वाभाविक का अर्थ ही अनौपाधिक है, अनौपाधिक अर्थ ही है सार्वत्रिक, ये तरह 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 ये तो कहे ना सार्वत्रिक का मतलब, जीनो बराबर है, इसमें हमने पहले ही जवाब दे चुका हूँ, ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा कि साध्याभाव सामान्यकरण्यम, इतना कहने मात्र से ही हेतु अगमक जब हो रहा है, साध्याभाव स्वाभाविक सामान्यकरण्यम कहना व्यर्थ विशेषण होता है, ये हमने जवाब दे चुका हूँ। इसके अलावा एक और जवाब देता हूँ, वस्तुगत्या सन्नप्य विशेष नोद्भावनार्ह इति उपेक्षणीय इत्युक्तम, किंतु यह भेद कथन के योग्य नहीं है, ये तार्श भेद जो आप द्वारा विरुद्ध और अनेकांतिक में, यह भी उद्भावन करने योग्य नहीं, उपेक्षा करने योग्य है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अनुमिति को प्रतिबंधित करना, वह प्रतिबंधित साध्य भाव साम्राज्य करने वितरक कहने से जो हो रहा है तो अनेक कांत से अलग करने के मजी के लिए मजबूरी है, तुम स्वाभाविक शब्द जोड़ दो, ये मतलब ही नहीं निकलता है इसका, हमें क्या जरूरत है तुम्हारा अनेक कांतिक से इसका भेद करने की सिद्ध करने की, हमें क्यों मैं क्यों आग्रह करूँ विरुद्ध से अलग अनेक कांतिक है, अनेक कांत से अलग विरुद्ध है, दो भिन्न है, ये भिन्न सिद्ध करने के चक्कर में हम क्यों पड़े, हमारा लक्ष्य अनुमिति को बात देना है, रोक देना है, रोक दिया, साध सामान्यकरण साध्याभाव सामान्यकरण कहने से साध सामान्यकरण व्याप्ति भंग हो गया, उस अनुमिति खत्म हो गई, मेरा लक्ष्य तो पूरा हो गया, तुम्हारे हेतु वैसे सिद्ध हो या भेद सिद्ध हो या न हो, पंचहेतु वश हो या न हो, से मुझे क्या लेना देना है, हमारे लिए ये उपेक्षणीय बस मामला है, ये कह देते हैं। अतः उपेक्षणीय ये हम कह ही चुके हो, और दूसरा बात तथा ही देखो क्यों, नेदम अस साधकम एता साध्यम प्रति
विरुद्धत्वात् इति अभिधीयमाने विरुद्ध शब्दार्थ निरुक्तौ विशेषणाधिक्यस्य उक्तन्येन दुष्परिहरत्वात् इदम् अस्य साधकं न भवति। मन ये जो लिंगम इदम लिंगम न पुस्तक लिंग अयम हेतु बोलते या इदम लिंगम अस्य साधकं न भवति, इस साध्य का साधक नहीं हो सकता। क्यों? एतत् साध्यं प्रति वृद्धत्वात्, ये आपको कहना है वृद्धत्वात् हेतु देना है। इत वृद्धत्वात् इति अभिधेयमान ऐसे कथन मात्र से भी वृद्ध शब्दार्थ निरुक्तौ वृद्ध शब्दार्थ निरुक्ति में विशेषण आधिक्यस्य विशेषण के आधिक्यता रूपा जो दोष उक्त न्यायेन दुष्परिहरत्वात् पूर्वोक्त युक्ति के आधार पर इसका परिहार आप कर ही नहीं सकोगे, व्यर्थ विषय दोस्तों से बच नहीं सकोगे आप। और आपका आग्रह क्या है? अनेकांतिक से भेषित करने के लिए जबरदस्ती विशेषण घुसा रहे हो। अनेकांतिक में व्यभिचार हो रहा है, ये लक्षण अनेकांतिक में चला जा रहा है, इस अनेकांत से अलग करना चाह रहे हैं। अलग क्यों करें? ये दुराग्रह छोड़ो ना, पांच तत्व पास है, चार ही मानो। चार माने में लाघव है ना, चार से यदि हमारा शास्त्र तुम्हारा विजय हो सकता है, पांच क्यों माने? ये दुराग्रह के कारण से विशेषण व्यर्थ तुम दे रहे हो। पंचत्व पास हमारे गौतम ऋषि ने प्रतिज्ञा की है, उसको बनाए रखना है मुझे किसी तरह से, उस चक्कर में विशेषण घुसाना चाहते हैं। और ये विशेषण घुसाओगे दुष्परिहार हो जाएगा, दोष व्यर्थ विषय व्यर्थ विशेषण दोष का परिहार आपके पास है ही नहीं। अतएव अनेकांत के संदेहन प्रत्यवस्थान वृद्धि तो व्यतिरेक निश्चयन इति विशेषाद अन्यभेदेन उपन्यास इत्यपि अनवकाशम। तब पूर्व पक्षी का ऐसा है, अनेकांतिक स्थल में व्याप्ति का संदेह रहता है और वृद्ध स्थल में व्यतिरेक का निश्चय है। असाध्याभावाधिकरण में हेतु है या नहीं संशय रहता है अनेकांतिक में, लेकिन विरुद्ध में निश्चय रहता है। ये अंतर हो गया दोनों में। खाते ये भी आप अंतर को लेकर के वेद उपन्यास करना चाहें ये अभी नहीं हो सकता, इत्यपि अनवकाश। इन दोनों के परस्पर भेद यह इस प्रकार से असावकाश नहीं होता। क्यों? अनुमिति हेतु व्यतिरेक को ही हेतु दोषा। कहानी शुरू से बोलते हैं, देखो भाई समझो थोड़ा, अनुमिति का हेतु के व्यतिरेक ही हेतु दोष है, ये अनुमिति को यह हेतु सिद्ध नहीं कर सकता। इतने मात्र से हेतु में दोष सिद्ध हो गया। अनुमिति हेतुश्च और अनुमिति हेतु कितने हैं? दो है, एक तो व्याप्ति और दूसरा पक्षधर्मता है। दो ही है कि अनुमिति के हेतु अर्थात व्याप्ति या पक्षधर्मता इनका व्यतिरेक होना ही हेतुगत दोष माना जाएगा। अनुमिति का पहला शब्द हेतु का अर्थ कारण लेना, अनुमिति हेतु व्यतिरेक है ना, या पहले हेतु से कारण, अनुमिति के कारण का व्यतिरेक हो जाना। अनुमिति के कारण कौन है? व्याप्ति और पसंद का। इन दोनों में से किसी एक का व्यतिरेक हो जाए वही हेतुगत दोष माना जाएगा। ये यहाँ हेतु शब्द, दूसरा अनुमिति का हेतु लेना, कारण नहीं लेना, वही आगे समझा दी। इसलिए अनुमिति हेतुश्च, अनुमिति हेतु माने अनुमिति का कारण, एको व्याप्ति ही, दो में से एक कौन है? व्याप्ति है। तथा तद अभाव से दोषत्वात्, इसे उस व्याप्ति के अभाव कथन करना इतने मात्र से ही हित में दोष हो गया। तावर मात्रम चाप्यम, इसे उतना ही उद्भावन करो, अधिक फालतू उद्भावन क्यों करने हम जाए। तच हेतु विपक्ष संबंध उद्भावन मात्र देव गम्य थे, वह जो हेतु का विपक्ष में संबंध उद्भावन मात्र से चाहे संशय पूर्वक हो चाहे निश्चय पूर्वक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप संदिग्ध अनेकांत के तब माने ही है, वो भी दोष स्वीकार क्यों किया फिर आपने? निश्चित अनेकांत के तब भी है, संदिग्ध अनेकांत के तब दोनों प्रकार का क्यों मानने की जरूरत है फिर? ये सर्वत्र अनेकांत संदिग्ध ही होता है, तो संदिग्ध अनेकांत के तो अलग व्याख्या आपने जो किया वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संदिग्धता या निश्चयता ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखता, मुझे इतना ही दिखाना है तुम्हारा हेतु साध्य भाव स्थल में संबद्ध है। इतने मात्र से ही अनुमित कारण भंग हो गया, कार्य सिद्ध नहीं होगा। से तच्च हेतु विपक्ष संबंधोद्भावन मात्रा देव, हेतु का विपक्ष में संबंधोद्भावन मात्र से ही यह बात बोध हो जाएगा हेतु का दोष।
वृत्ति, संबंध मैंने वृत्ति, हेतु का विपक्ष में वृत्ति, हेतु का विपक्ष में विपक्ष क्या है, साध्य भाव, साध्य भाव अधिकरण में वृत्ति बताना है आपने, विपक्ष होता है साध्य भाव अधिकरण, निश्चित साध्य भगवान विपक्ष लक्षण है उनका। इसे हेतु का विपक्ष में संबंध बोध कराया, मैंने विपक्ष वृत्ति बोध करा दिया, इतने मास चाहे वो वृत्ति हमारे लिए अभी संदिग्ध है, आपके लिए संदिग्ध है, हमारे निश्चय आपके निश्चय से कोई लेना देना नहीं है, वृत्ति दिखा दिया तो आपको मानना पड़ जाएगा दोष। तस्मात अनुमिति हेतु व्याप्ति प्रमिति व्यतिरेक बोधनाय, इसे अनुमिति का कारणीभूता, या हेतु शब्द कारण, कारणीभूता व्याप्ति का प्रति प्रमिति व्यतिरेक बोध करने के लिए संशय व्यतिरेक निश्चय च उद्भाव्य माने भी, चाहे संशयात्मक हो चाहे व्यतिरेक का निश्चयात्मक उद्भाव ने भी, कुतस्तौ, हम आपसे पूछेंगे फिर आपने जिस आधार पर भेषित कर रहे हो संशय और जो है निश्चय, संशय निश्चय कैसे हुआ, पूछो उसे। विरुद्ध और अनेकांतिक में भेद पैदा करने के लिए आप कर रहे हो, विरुद्ध में निश्चय रहता है व्याप्ति का, साध्य भाव व्याप्ति का, और अनेकांतिक में साध्य भाव का निश्चय रहता है, नहीं संशय रहता है, अनेकांतिक में, अनेकांतिक में साध्य भाव के साथ हेतु का संशय रहता है, विरुद्ध में निश्चय है। कहते आपके संशय निश्चय कैसे हुआ ही बताओ, कैसे जाना आपने, कुतस्तो इत्यत्र, आपका जवाब क्या कहना पड़ेगा, विपक्ष संबंध मात्र नियत तत्सबंध अवश्य संबंध हो अवश्य उपन्यास्यौ, उपन्यास्य हो गया उपन्यास्यौ इति तत्सबंध मात्र में वस्तु, आप ये कहना पड़ेगा जवाब में, युक्त संदेह या निश्चय कैसे हो गया आपको, ये पूछे जाने पर ऐसी जिज्ञासा होने पर आपको यही जवाब देने पड़ेगा, विपक्ष संबंध मात्र से, तथा नियत विपक्ष संबंध, एक में क्या नियत विपक्ष संबंध, दूसरे में संबंध सामान्य, संबंध सामान्य से संशय, संबंध मात्र, इन दोनों में संबंधांश बराबर है ना, एक में नियत विशेषण से संदिग्ध विशेषण है, यहाँ भी हम कहते हैं नियत और संदिग्ध विशेषण व्यर्थ विशेषण है, कि संबंध मात्र से हमारा हेतु गमक नहीं रह गया, बोधक नहीं रह गया, अनुमिति प्रतिबंधित हो गया, ये विशेषण क्यों दे रहे हो नियत और संदिग्ध, क्यों ही करे, केवल संबंध मात्र में वस्तु, संबंध मात्र का कथन कर दो, विपक्ष में संबंध मात्र कथन करने से ही हेतु में दोष सिद्ध हो जाता है, तो विपक्ष संबंध मात्र और विपक्ष संबंध नियत, ये अंतर करना चाह रहे आप, दो नियत तत्संबंध अवश्य उपन्यास्यो, उस हेतु का उस साध्य भाव के साथ संबंध अब अवश्य ही उपन्यास करना होगा। जब ऐसे उपन्यास करने लगोगे चाहे वो नियत हो चाहे अनियत हो, दोनों मत में आपका संबंध बोध करा ही रहे हैं, और विपक्ष में संबंध बोध कराने मात्र से ही जब दोष हो सकता है, उतने दूर तक मैं क्यों जाऊं, वह संबंध निश्चित है कि संदिग्ध है, उसमें जाने की क्या जरूरत है। अच्छा वहां तक दावन दौड़ने की अपेक्षा है ही नहीं, वही आगे कार्य देखिए, व्याप्तिस्तत्प्रमित्यश्च वितरेकस्य लिंगत्वात् उद्भाव्य, कि व्याप्ति या व्याप्ति की प्रमिति का व्यतिरेक यही अनुमिति का प्रतिबंधक लिंग हो जाता है, उतना ही उद्भाव्य है, किं कृतम इतराभ्याम, वो संदिग्ध निश्चित से हमारा क्या मतलब रह गया, व्यर्थ विशेषण नहीं हुआ क्या, ये सिद्ध हो गया। तब वो कहता है ऐसा है, कहीं पर कहीं जगह ऐसा भी व्यर्थ विशेषणों का भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं, जरूरत नहीं फिर भी बोलना पड़ जाता है, कहना तो पड़ता है, जैसे पर्वत अनुमान तो मत कहने क्या, पर्वत कहने क्या जरूरत, अनुमिति में पर्वत तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, फिर भी हम कह देते पर्वत, जो होना चाहिए वो नियमान धुमात, बस इतना ही, तब सिद्धांत फिर धुमात भी कहने के धूम भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो अनुमान खेद, तब अगला पूछेगा कुत्रा, कहना पड़ेगा पर्वत है, कस्मात धुमात, कहना तो पड़ गया। इसलिए कई चीजें अन्यथा सिद्ध हैं, फिर भी हमें कहना ही पड़ता है, बिना कहे काम चलेगा नहीं। तीन दृष्टांत उठा रहा है, जैसे वहां वैसे यहां भी निश्चय और संदिग्ध को विशेषणों को कहना ही पड़ेगा आपको, तीन तीन दृष्टांत ले रहा है,
लकार भेद प्रयोगे तैस तैर्लकारी काल विषय विशेष प्रतिपादनवत्। जैसे आपने प्रयोग कर दिया भवति अभवत् बभूव भविष्यति, इन सब में क्या है? भू धातुत्व है। धात्वर्थ प्रतिपादन करना मुख्य आपका, गौण है वह काल प्रतिपादन करना। फिर वह काल न चाहते हुए भी लकार आते हुए भी आ ही जाएगा, छोटेगा नहीं। आप काल भेद कथन करना चाहें न कथन करना चाहें, आप धात्वर्थ कथन करना चाह रहे इन काल भेद तो आनुषंगिक है, तो आएगा ही। क्यों? काल भेद के बिना लकार ही नहीं आएगा, लकार नहीं तो क्रियापद बनेगा ही, पद ही नहीं बनेगा, बोलूंगा कैसे? धात्वर्थ मात्र कथन कैसे करूंगा? इसलिए जिस प्रकार से लकार भेद प्रयोगे तई तई लकार ही काल विषय विशेष प्रतिपादन, अन्यता से धोते हुए भी हम मजबूरी में प्रतिपादन करते हैं, क्यों? उसके बिना साधु पद सिद्ध ही नहीं होगा। आपको केवल भवती ऐसा बोलना है ना, भवती तिप के लाए बिना कैसे बोलोगे? भवती कहना ही पड़ेगा, अस्ति आसीत है ये नहीं, इसे कहना पड़ेगा। एक दूसरा दृष्टांत विभक्ति फिर लिंग संख्या ज्ञापनवत्। जैसे तटा तटी तट प्रयोग कर दिया किसी ने, हमें बोध कराना तट है, लेकिन आप तटी क्यों बोल रहे हो, कई तटम क्यों बोल रहे हो, क्या जरूरत? ये की शब्द रखो, क्योंकि ये वो विशेषणवाचक शब्द होने से जिसका विशेषण बना रहा उसके लिंग के अनुसार इसका लिंग प्रयोग करना पड़ता है। विशेषानुसारण विशेषण का लिंग होते हैं, गंगाया तटी स्त्रीलिंग ऐसा बोलना ही पड़ेगा। कहते यह तटा तटी तटम में लिंग आदि आधिक्य है, हमारा वहाँ उद्देश्य क्या है? तट बोध कराना। लिंग आदि के न चाहते हुए आपको जब स्वंत बनाओगे तो लिंग तो आ ही जाएगा, संख्या आ ही जाएगी, न चाहने पर भी आना आए तो अन्यथा सिद्ध है। हमें तटबोध कराना था लेकिन फिर भी मुझे लिंग और संख्या भी साथ में प्रयोग की बिना हम बोध नहीं करा सकते। इस तरह से मुझे सामान्य अधिकरण मात्र बोध कराना है लेकिन फिर भी वहाँ निश्चय संदिग्ध के बिना मैं उसे बोध नहीं करा सकता, वो अवश्यम भावी है साथ में, भले अन्यथा सिद्ध है बोलना पड़ेगा, ये पूर्वज का आग्रह है। तीसरा दृष्टांत दे रहा है पर्वतो वन्यमान इत्यादि धर्मियादि प्रतिपादन वच्च न इदम घटते। पर्वत वन्यमान इत्यादियों में धर्मी आदि का प्रतिपादन के समान वहां भी क्या हो रहा है? पक्ष आदि अविवक्षित है, गम्य गमक भाव ये हमें बोताना इष्ट है, वहां धुआं होने से वन्नी है ये हमें कहना इष्ट है, लेकिन पर्वत आदि हम साथ में फालतू बोल दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी निश्चित और संदिग्ध भले आपको आपके अनुसार आवश्यक नहीं है लेकिन आपको कहना ही होगा, क्यों? अगला पूछ सकता है, जैसे वन्नीमान कुत्र पूछेगा, कुत्र वन्नी पर्वत, ये आपको कहना ही पड़ेगा। पर्वत में है तो पर्वते, उसका वन्नीमान में पर्वत प्रथमा पे बोला जाता है। जैसे यहाँ भी पूछेंगे हम सामान्य अग्रणियम की दृक् निश्चितम वा संदिग्ध वा भ्रमो वा स्मृतिर वा, कुछ तो कहोगे कि नहीं, तब आकांक्षा तो रहेगी, भले आवश्यक नहीं है लेकिन किसी में यदि ऐसा आकांक्षा हो जाए तो संभावना को रखते हुए हमें विशेषण देने में कोई दोष नहीं है, ये उसका कहना है। जैसे व्यर्थ विशेषण दोष दूर हो गया। तत्र तेषां अतात्पर्य विषयाणामपि पद प्रयोगे विशिष्ट बोधने वा अन्यथा सिद्धानाम यथा बोधनम तथा यदि अत्रापि व्याप्ते हैं अतात्पर्य विषयत्वं तद अनेकांतिक साधारण्यादेव अन्यथा उक्त दोष अपरिहारादेव इति वच्च न इदम घटते। सिद्धांति बोल रहा है, पूर्व पक्ष ने इतना कह दिया उसके समान यहाँ व्यर्थ विशेषण दोष नहीं है, तब सिद्धांत न इदम घटते ऐसा आप घटा के कथन नहीं कर सकते। क्यों? तत्र तेषां अतात्पर्य विषयाणामपि उन तीनों दृष्टांतों में, तीनों दृष्टांतों में तत्र
तेषाम, पहले वाले में कालादि, दूसरे में लिंगादि, तीसरे में जो है आपका पर्वता धर्मी आदि, धर्मी को लिया ना पर्वत को, धर्मी आदि तेषाम अतात्पर्य विषयाणाम अपि, अतात्पर्य का विषय होने के बावजूद भी पद प्रयोग है, पद प्रयोग कर रहा हूँ पहले दो में, पद प्रयोग नहीं तो पद प्रयोग नहीं कर सकता ना, केवल प्रकृति बोल नहीं सकता, भू मैं भू बोलना चाहता हूँ, सत्ता ऐसा बोल नहीं सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा संस्कृत में, पद बना के ही प्रयोग करना पड़ेगा, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या, न केवला प्रत्ययः, अपदम न प्रयुंजीत, इत्यादि विधियाँ हैं, मजबूरी है इसलिए हमें पद प्रयोग करने के लिए, और धर्मस्थल में विशिष्ट प्रयोग है, पहले दो में क्या है काल और लिंग के लिए कहा, पद प्रयोग करने के लिए मजबूरी थी, बिना उनका, बिना काल का बोध, बिना लिंगादि संख्यादि का बोध का हम पद ही नहीं प्रयोग कर सकते, इसे अनिसाध्य अनिता से ध्वनि के बावजूद वहां मजबूरी थी, इसलिए व्यर्थ विशेषण दोषवान नहीं आता उनमें। इस धर्मी में भी इसी प्रकार से विशिष्ट बोध कैसे कराऊंगा, विशिष्ट बोध कराने के लिए आवश्यक था, इसलिए विशिष्ट बोधे वा अन्यता सिद्धानाम यथा बोधनम, अन्यता सिद्धों का भी प्रयोग करके बोध जैसे कराया जाता है, तथा यदि अत्रापि, यदि यहाँ पर भी आप विरुद्ध स्थल में भी, अनेकांत स्थल में भी नियत और संदिग्ध शब्दों को देखकर कहना चाह रहे हो, अत्रापि व्याप्त है अतात्पर्य विषयत्म तद अनेकानेका साधारण्यादेव, अतात्पर्य विषयता तो फिर भी दोनों में बराबरी है, नियत शब्द भी क्या है इसलिए अतात्पर्य विषय है, ज्ञानमिति का प्रतिबंध करने के लिए साध्य भाव साधारण सामान्य इतना ही बोलना मेरा तात्पर्य का विषय है, उस अतिरिक्त जो बोल रहे हैं नियतत्व संजीतत्व मेरे तात्पर्य का विषय नहीं है, ठीक है ना, वहां पर क्या है समस्या थी, मेरे पास धर्मी के बिना अनुमिति का व्यवहार नहीं हो पाएगा, लिंग और काल और संख्या के बिना वो पद ही नहीं बन पाएगा, इसे वहाँ प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ ऐसी क्या मजबूरी है बताओ, कौन सा नियम आपको मजबूर कर रहा है कि वहाँ प्रयोजन है साधु शब्द प्रयोग करना है मुझे, इसे काल संख्या के बिना हम कर नहीं सकते हो, लिंग संख्या के बिना हम कर नहीं सकते थे, अनुमित स्थल में धर्मी के बिना कुत्रे आकांक्षा बनी रही उसके लिए जरूरत था, यानी यहाँ अनुमित को प्रतिबंध करना है मुझे, सामान्य अधिकरण कथन मात्र से प्रतिबंध जब हो रहा है फिर आकांक्षा कहाँ रहेगी, कुत्र सामान्य अधिकरण थोड़ी पूछेगा, निश्चित हुआ संदिग्ध हुआ पूछेगा क्या, भाई साध्य भाव सामान्य कहते ही बराबर अनुमिति जब प्रतिबंधित हो गया, क्यों अनुमिति का कारण ही भंग हो गया व्याप्ति, व्याप्ति भंग होने मात्र से ही जब अनुमिति रुक गई फिर आगे प्रश्न ही नहीं उठता है, आकांक्षा जिज्ञासा कुछ नहीं होती है, और ना इसके कहे बिना हमारा प्रयोग असाधु हो जाएगा, ऐसी नहीं है, विशिष्ट बोधा भाव ऐसा भी नहीं, विशिष्ट बोध हो रहा है, वहां अन्यता सिद्धों का प्रयोग के पीछे दो मुख्य कारण था, या तो साधु पद प्रयोग या विशिष्ट बोध ज्ञान, विशिष्ट बोध कराना, वो दोनों हेतु में से एक भी हेतु यहाँ नहीं है, क्योंकि निश्चित या संदिग्ध प्रयोग के बिना भी सामना कंडियम कहना अपने आप में साधु पद है, विशिष्ट बोध भी इसी से हो रहा है सामान्य कहने मात्र से, विशिष्ट बोध क्या हमारा अनुमित को भंग करना व्याप्त भाव सिद्ध करना वो तो सिद्ध हो गया, तद अनेकांतिक साधारण्यादेव, क्योंकि अतात्पर्य विषयत्व यथा नियत में है उसी प्रकार अनेकांतिकरण में जो विषय दे रहे हो संदिग्ध उसे भी अतात्पर्य विषयत्व समान ही है, अच्छा तात्पर्य विषयत्व मात्र प्रयोग करने से लक्ष्य सिद्ध हो जाता है तो मुझे इन विशेषणों को जोड़ने की क्या जरूरत है, अन्यथा ये बात नहीं मानोगे तो उक्त दोष अपरिहारादेव इति, जो मेरा उक्त दोष विशेषण व्यर्थ था व्यर्थता दोष से आप बच नहीं पाओगे, यानी इतना ही अनेकांतिकत्वंच अनुद्भावयता अनधिगच्छता वा वृद्धम अशक्योद्भावनम अशक्याधिगमंच इति तदुपजीवित्वात् न पृथक दूषणम, इतना ही नहीं अनेकांतिक ज्ञान यह अनेकांतिक अनुद्भावन के काल में भी आप विरुद्ध का कथन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
कहते हैं अनेकांतिकत्वंच अनुद्भावयता अनधिगच्छत्वा, उसका अनेकांतिकत्व को उद्भावन किए बिना या उसके अधिगम के बिना वृद्धम अशक्योद्भावनम, वृद्ध का उद्भावन करना ही संभव नहीं है। भाई साध्याभाव अधिकरण में हेतु रहेगा या अनेकांतिकत्व, इसके ज्ञान के बिना आप क्या इसके उद्भावन के बिना साध्याभाव से व्याप्तत्व का कथन कर सकते हो वृद्ध का लक्षण को। भले साध्याभाव का अधिकरण में रहना या अनेकांतिक है, इसके ज्ञान के बिना या उसके उद्भावन के बिना क्या वृद्ध का प्रयोग कर सकते हो, साध्य व्याप्तत्व का कथन कर सकते हो आप? इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अनेकांतिक और विरुद्ध से फिर मातो मानो मत, इस विरुद्ध को अनेकांतिक में अंतर्भाव कर दो, इसके बिना हो ही नहीं रहा तो यही इसी से काम चलेगा फिर, कि इसके बिना अविरुद्ध को उठा ही नहीं सकते, तो इतने इसी से ही दोष हो ही गया, अनेकांतिक दोष से ही अनुमिति प्रतिबंधित हो गया, इसके बिना होने वाला विरुद्ध का उद्धावन क्यों करें? भाई लक्ष्य सिद्ध हो गया, बार बार गए भाई प्रयोजन क्या था अनुमिति प्रतिबंधित करना, वो अनेकांतिक उद्भावन करने से ही हो जा रहा है, तो विरुद्ध की उद्भावन करने की क्या जरूरत है? इसलिए कहते हैं विरुद्धम अशक्योद्भावनम अधिगमंच, उसका जो उद्भावन भी अशक्य है और अधिगम भी अशक्य है, किसके? वृद्ध का। इति तदुपजीवित्वात्, इसलिए अनेकांतिक का उपजीवी होने के कारण से जो उपजीवक विरुद्ध है उसका न पृथक दूषणम, इसे वृद्ध को पृथक दोष मानने की जरूरत नहीं है। जिसके बिना जो नहीं हो रहा है उसी से यदि काम चल जाए तो उसको मानने क्या जरूरत है अतिरिक्त को, या तो वृद्ध में अनेकांतिक अंतर्भाव कर दो या तो अनेकांतिक में वृद्ध को अंतर्भाव कर दो पृथक दोष पर भी आप सिद्ध नहीं कर सकते वृद्ध और अनेकांतिक। विशेष प्रतिपादनम विशेष अवगमंच विना विशिष्ट प्रतिपादन से विशिष्टावगम से अशक्यत्वात्, क्योंकि सामान्य हमारा नियम है कहीं भी हो व्याप्ति बोध को तात्पर्य के विषय न माने तो लक्षण प्रकार से जो है स्थिति वैसे बनेगी, क्योंकि विशेष का प्रतिपादन या विशेष का अवगम के बिना विशिष्ट का प्रतिपादन या विशिष्ट का अवगम कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का अवगम जरूरत है, विशेषण का ज्ञान भी जरूरत है विशेष का ज्ञान भी जरूरत है, केवल विशेषण का ज्ञान हो और विशेष का ज्ञान ना हो तो विशिष्ट प्रतीति नहीं होगी, और केवल विशेष का ज्ञान हो विशेषण का ज्ञान ना हो तो विशिष्ट प्रतीति नहीं होगी, इसे दोनों का ज्ञान जरूरी है ना, इसे विशेष का प्रतिपादन और विशेष का अवगम इन दोनों के बिना विशिष्ट का प्रतिपादन भी तो नहीं कर सकते हो, और विशेष कौन है? सामानाधिकरणी विशेष तो था ना, विशेष क्या है? साध्याभाव का सामानाधिकरण में विशेषांश है, जब उसके बिना मैं विशिष्ट बोध करा ही नहीं सकता, नियत सामानाधिकरण्यम या संदिग्ध सामानाधिकरण्यम बोध नहीं हो सकता, और सामानाधिकरण बोध होने मात्र से ही झट जनमिति बंद हो गया, फिर आगे मैं विशिष्ट बोध कराने क्यों जाऊँगा? फिर विशेषांश कौन है? सामानाधिकरण साध्याभाव सामानाधिकरण्यम, और साध्याभाव विशेष जो है अलग है और सामानाधिकरण्य में आपका विशेष है, उस विशेष में विशेषण देना चाह रहे आप नियत या संदिग्ध हो और विशिष्ट बोध कराना चाहते हैं, इन वह विशिष्ट बोध हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि विशेष का ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान होगा नहीं, और जिस क्षण विशेष ज्ञान मुझे हो गया साध्य और सामान्यकरण्य था उस क्षण अनुमिति प्रतिबंध हो गई, फिर आगे हमारा प्रयोजन नहीं रह गया, हम उस विशेषण के लिए विशिष्ट बोध कराने की क्यों प्रयास करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा प्रयास, अशक्यत्वा। एवं अन्यत्रापि विशेषणस्य प्रयोजकता विशेष सामर्थ्य स्वयं ऊहनीया, इसी प्रकार से अन्य स्थलों में भी विशेषण का अप्रयोजकत्व और विशेष के सामर्थ्य से ही जब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो विशेषण आप कोई प्रयोजन उसका नहीं रह गया, यह बात को अन्य स्थलों में भी आप ऊहापोह करके समझ लेना चाहिए, वो अन्य स्थलों का वर्णन करेंगे एक के बाद एक।